बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज सभी दर्शकों को मैं भैरव स्थान थाना पर लेके आया हूं। झंझारपुर अनुमंडल के भैरव स्थान थाना पर मैं हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पुलिस ने बड़ी भारी मात्रा में शराब बरामद की है। ये आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये बुलेट गाड़ी है, ये अपाचे गाड़ी है, ये कार भी है और 83 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की है। चार चक्की की यह कार, बुलेट गाड़ी, अपाची गाड़ी और ख़ास बात यह है कि एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। 7 अपराधी, 7 धंधेबाज शराब के, वो गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की यह सफलता, भैरव स्थान पुलिस, झंझारपुर पुलिस और अन्य थाना की पुलिस मिलकर की है। DSP आशीष आनंद पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। बताया जाता है कि मध्य निषेध प्रभाग पटना से गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि भैरव स्थान थाना क्षेत्र के कमला दक्षिणी तटबंध के पास शराब की खेप उतरने वाली है। उसी सूचना पर DSP आशीष आनंद के निर्देश पर एक टीम गठित की गई और छापामारी किया गया। वहां पर नदी के तटबंध के बगल में बगीचे में कुछ लोग शराब उतार रहे थे। पुलिस ने 83 लोगों को तो गिरफ्तार किया, लेकिन 7-8 लोग थे वो भागे। काफ़ी मशक्क़त के बाद सर्विलांस टेक्निकल टीम के साथ पुलिस ने पूरे दिन रविवार को मेहनत की, कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोग झंझारपुर थाना क्षेत्र के, भैरव स्थान थाना क्षेत्र के और मधेपुर थाना क्षेत्र के हैं। एक बड़े नेटवर्क का भी पुलिस ने खुलासा किया है। और ख़ास बात यह है कि जब्त की गई सभी मोबाइल का पुलिस CDR निकाल रही है और CDR में जो भी नंबर जिससे टैली कर रहे हैं, एक बड़े मछली को पकड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। DSP आशीष आनंद ने अभी बताया कि जब्त शराब देखने से डुप्लीकेट लगता है। एक तो अवैध रूप से बेची जा रही है, उसमें भी डुप्लीकेट बेची जा रही है। ये बाज़ार में जाती तो हो सकता था कुछ लोग मर सकते थे। पुलिस की यह बड़ी सफलता है। आइए मैं सुनाता हूँ आगे DSP आशीष आनंद क्या बता रहे हैं, डिटेल जानकारी DSP साहब से। दिनांक 27 मार्च 2022 को देर रात्रि मद्य निषेध विभाग पटना से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि समिया ढाला के पास कुछ लीकर उतरने वाला है। थानाध्यक्ष झंझारपुर रूपकम मुझ को यह सूचना मिली। उन्होंने तुरंत हम लोग को भी इंटीमेट किया और ये पदाधिकारी को सूचना दी गई और तुरंत एक टीम गठित की गई जिसमें झंझारपुर थाना की टीम थी, इनके यहाँ के ऑफिसर्स थे और संभावित जगह पर तलाशी ली गई और कई इसमें भागदौड़ का खेल, चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा पकड़ने में। और हमारे तकनीकी अनुसंधान से, लोगों की लगन से, हमारे ऑफिसर्स के एक टीम वर्क से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें ये लोग स्थानीय भैरव स्थान थाना, झंझारपुर थाना और मधेपुर थाना, यहाँ के लोग इसमें सम्मिलित है। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ 7 लोगों की गिरफ्तारी से और इन लोगों के द्वारा कई सारे इनपुट्स आए हैं। हम लोग लगातार इंट्रोगेट किए जिससे कई सारे हमारे पास इनपुट्स हैं और इन लोग के निशानदेही पर लगभग 747 लीटर विदेशी शराब, अवैध विदेशी शराब की बरामदगी हुई। लीकर को ढोने के लिए या गाड़ी का वाहन जो इसमें यूज किया जाता था, एक अर्टिका वाहन, एक बुलेट और एक पिस्टल भी, एक देसी पिस्टल की बरामदगी हुई, जिसमें कि एक थ्रेटनिंग हम लोग को बना रहता है रेड के समय कि यह अपुष्ट सूचना हम लोग के पास भी है कि अब शराब व्यवसाय करने वाले अवैध शराब का जो धंधा करते हैं वो हथियार भी रख रहे हैं, जिसकी पुष्टि एक हमारे पास भी पिस्टल बरामद हुई है। इसके साथ साथ 8 मोबाइल और उनके पास से कुछ रुपये की बरामदगी हुई है। प्रथम दृष्टया यह लीकर जो है यह भी नकली प्रतीत होता है, नकली दारू का सप्लाई हो रहा था जो और भी ज़्यादा डेंजरस है। इस स्तर पर बाकी जो इनके संभावित हैं, एक दो लोग इसमें भागने में सफल रहे और साथ साथ इनके गैंग के, इनकी टीम के कई सारे मेंबर का हमारे पास अपडेट है, जिस पर फिर हम लोग त्वरित कार्रवाई भी करेंगे। आपने देखा, आपने DSP SDPO आशीष आनंद को सुना। भैरव स्थान थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज के साथ उनकी तमाम टीम काफ़ी मेहनत की है और उन्होंने डिटेल में बताया कि किस प्रकार जो है सो ये कारोबार हुआ है, हो रहा था, जिसको पकड़ा गया है। भैरव स्थान पुलिस इससे पहले भी कई लोगों को पकड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बड़े नेटवर्क के ध्वस्त होने पर और भी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार खबर देते रहेंगे। नमस्कार, सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, किसी भी प्रकार की न्यूज़ पर कमेंट देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बहुत लिखें। मैं हूं कन्हैया ठाकुर।